हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं बात करने लगा हूँ देसी डाइट, और जो लड़के कहते हैं मैं वे प्रोटीन नहीं लेना चाहता, मैं मास गेनर नहीं लेना चाहता, मैं क्या करूँ, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। एंड तक जरूर देखें, कोई मास गेनर वे प्रोटीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप देसी डाइट घर में कैसे आप मैनेज करेंगे। सिंपल सी चीज़ें मेरी नोट कर लो, कहीं पे लिख सकते हो, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें प्रोटीन सप्लीमेंट से ही नहीं लेनी होती, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। आपने क्या करना है, ओट्स या दलिया एक चीज़ चूज़ कर लें, साथ में बनाना, रोज बनाना लेके आने, केले लेके आने, दर्जन ले लें। और तीसरी चीज़ जो है पीनट बटर, और चौथी चीज़ है अंडों की ट्रे लेके आ जाएं। अब आपने क्या करना, अपने तीन मील बनेंगे दिन में, तीन मील यही लेने जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ओट्स, ठीक है, ओट्स में या दलिया दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। ओट्स ले लिए, उसमें आपने डालना है पीनट बटर, और साथ में होगी आपका बनाना, ठीक है। बनाना दो केले डाल सकते हैं, और चौथी चीज़ जो है आपने एग्स, छः अंडे उबाल के रख लें, और छः पाँच अंडे उसमें से ये सिर्फ वाइट पार्ट होगा, सिक्स्थ जो होगा येलो और वाइट दोनों ही चीज़ें होंगी। अब ये जो मिक्सर आपने बना लेना, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लेने। ड्राई फ्रूट्स में इसलिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं ले रहा, स्पेशल नेम नहीं ले रहा कि क्योंकि वो महंगे होते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से बना लें। बादाम है, अगर पैसे हैं तो बादाम डाल सकते हैं, साथ में काजू डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह, जो आप अपने तरीके से दाख वगैरह डाल लें, उसमें आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, ये जो मील बनेगा इतना ज़्यादा परफेक्ट है, आपको ओट से ऑलमोस्ट 100 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, जितना भी 100 ग्राम में बता देता हूँ कि 65 ग्राम तक आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है, और 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। दूसरा, अगर आप पीनट बटर की बात करें तो 100 ग्राम में 25-26 ग्राम तक वो प्रोटीन है, ऊपर से जो गुड फैट भी है, ठीक है, उसमें गुड फैट भी है। और उसके बाद थर्ड बात करें बनाना की, आपने एक तरह से फाइबर वगैरह उसमें डाल लिया अपने मिनरल्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए, और ओट्स से भी मिनरल्स वगैरह आपको, ओट्स से भी आपको जो है फाइबर मिल जाएगा। और लास्ट चीज़ जो मैंने कही, एग्स, एग्स तो बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स होगा, बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत बढ़िया, और उससे आपको प्रोटीन जल्द ही सप्लाई वाला प्रोटीन मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स कार्ब का मिक्सर होकर वो आपको धीरे धीरे प्रोटीन रिलीज होगा आपके मसल्स में। तो और जो मैं एग का एक मैंने येलो पार्ट भी गाया है, ठीक है, लास्ट सिक्स्थ वाले का येलो भी खाना है, क्योंकि आपके जो सैचुरेटेड फैट भी आपको ज़रूरी होता है, सैचुरेट फैट जो होता है हमारी बॉडी को, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, ये चीज़ें भी हमारे साइनोवियल फ्लूड्स वगैरह के लिए भी सैचुरेटेड फैट जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। अच्छा, ये जो मिक्सर है ये आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देगा, इतना कंप्लीट मील बन गया ये, जिसमें सारे मतलब ऑलमोस्ट बात कर रहा हूँ, सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें मौजूद हैं, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है, अगर आप दूध वगैरह भी पीते हैं वो भी बढ़िया चीज़ ही है, उससे भी मिलते हैं आपको जो कैल्शियम होगा और भी मिनरल्स वगैरह विटामिन वगैरह मिलते हैं, ठीक है। ये आपका मील होगा, आपने दिन में तीन बार लेना। अगर आप 8 बजे फर्स्ट मील ले रहे हैं तो 2.5 घंटे बाद, ठीक है, आप ये वाला 10-10:30 बजे ये सेकेंड मील लें, और उसके 2.5 घंटे बाद थर्ड मील, फिर से यही चीज़ लेनी है, तीन बार लें दिन में, ठीक है, और लेनी दोपहर तक ही है, मतलब कि जिम से पहले पहले शाम को अगर जिम लगाते 6-7 बजे तो 4-4:30 तक ये मील रख सकते हैं, आप 4 बार भी ले सकते हैं। अच्छा, ये आपका देसी डाइट होगी, इतनी बढ़िया डाइट है ये गेनिंग की, आपको मास गेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है, मास गेनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर आप अंडरवेट भी हो या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, ये आप अपने मील्स बढ़ा सकते हो, 4 ले लो 4 मील्स कर लो, इसके 5 कर लो, आप कर सकते हो, पर लेने मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि इसमें कार्ब बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, हालांकि वो बेनिफिट ही देगा, पर आपको रात के शाम के टाइम या रात के टाइम हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं लेने चाहिए, हमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें फैट ना एक्यूमुलेट हो बॉडी में। ये चीज़ है, आपके ये मील बन जाएगी। आप साथ में जो है अपना प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं, वो मेरी वीडियो देख लें कि घर में प्रोटीन पाउडर कैसे बनाएं। ये आपके 3-4 मील ये हो जाएंगे जो मैंने अभी बताई रेसिपी, और साथ में जो प्रोटीन पाउडर है वो वीडियो आप ज़रूर देखें, नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसमें थोड़ा मैंने बताया है कि आप पीनट्स और मूंग दाल और काले चने, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं, साथ में आप ड्राई फ्रूट वगैरह उसमें मिक्स कर सकते हैं, और साथ में आपने जो है दलिया ले लें, ये सारी चीज़ें अलग अलग भून के, अलग अलग भूननी है, और उनको फिर ग्राइंड करके उनको मिक्स करके अपने डब्बे में डालें, किसी पुराने प्रोटीन पाउडर के डब्बे में डालें, ठीक है, या फिर घर में कोई अजार वगैरह हो उसमें डाल के ये रख लें ये पाउडर, ठीक है। और ये आप ले सकते हैं दूध के साथ, लेना इसको दूध के साथ ही, ये ना समझे कि आप पोस्ट वर्कआउट इसको वे प्रोटीन की जगह लेंगे। वे प्रोटीन अगर आप 1 केजी खरीद भी लें तो वो महीना तक चल जाएगा आपका,
पर ये चीज़ें जो मैंने बताई, अगर वो नहीं भी लेते चलो कोई बात नहीं, उसकी जगह एग्स यूज़ कर लें आप पोस्ट वर्कआउट मील में, वो भी बेनिफिट दे देता। पर ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं देसी जो है, ये आपको बहुत बढ़िया गेनिंग देने वाली है, ये गारंटी है आपको। और ये आप देखेंगे कि जो आपकी गेनिंग होगी इससे, ये फैट नहीं होगा, बहुत कम फैट परसेंटेज होगी, मैक्सिमम आपका जो है मसल गेन ही हुआ होगा इससे। तो जो लड़के अंडर वेट है, इवन अगर आप बढ़िया गेनिंग है आपकी बॉडी की, इवन मैं भी यूज़ करता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, तो अगर आप अंडर वेट है तो आपके लिए बहुत बढ़िया ही चीज़ है ये, आप तो यूज़ करें ही करें। इवन अगर आपके मसल्स डेवलप भी हैं तब भी ये मील्स जो मैंने बताए हैं, ये जो पाउडर घर में बनाना बताया है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, आपको कैसा लगा आप बनाए हैं ज़रूर, और कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट कर दें, या फिर कोई और क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।